पूरे पाकिस्तान का सवाल है आपसे कि आप बैटिंग ऑलराउंडर हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, इसकी एक वजह बता दूं। मोहल्ले में जब टीम बांटते हैं ना, तो किसी लड़के से पूछते हैं, भाई अपना तुम क्या करते हो, तो कहते हैं दोनों कर लेता हूं। पाकिस्तान में सब ऑलराउंडर होते हैं, आप कौन से ऑलराउंडर हैं, बैटिंग या बॉलिंग? आज क्लियर कर दें फहीम। शुरू में मैं भी दोनों था। ट्रायलों पे जाते थे ना, क्या करते, दोनों करते हैं, तो फिर कहते हैं एक बताओ, तो मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। बॉलिंग ऑलराउंडर, हाँ। तो बॉलिंग के ट्रायल देते थे, फिर जाके जब टीम बनती है ना, तो फिर आप बाद में अपनी बैटिंग दिखाते हैं, तो फिर आपको ऑलराउंडर मारते हैं, उससे पहले नहीं मारते। हसन भाई, क्रिकेट कभी खेली है आपने? जी बहुत खेली है जी। कहाँ? असेंबली में वन टिप तो नहीं खेलते आप? असेंबली नहीं, शुरू में मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा, कितना शुरू में? मतलब स्कूल। फिर क्या हुआ? बैट बॉल मेरा होता, इसलिए उन्होंने मजबूरी तो खिडाना पैंता। आप भी ऐसे ही करते थे, आउट हो गए तो बैट बॉल लेके? ना, सवाल ही नहीं, दो बारियां लेंदा सारे। अच्छा अच्छा है ये। हसन भाई, अगर बिलावल को पंजाबी सिखानी पड़े, उनको कभी पंजाब आके पंजाबी में तकरीर करनी पड़े, तो कहाँ पे टांग रही है कि पंजाबी क्या होगी? लत्तां कमदियां पईयां ने और की। फहीम, दो बॉलें, दो विकटें ले ली श्रीलंका के खिलाफ, हैं, तीसरी बॉल। अब होता है ना, ये टीम में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं आ जाते हैं फौरन, भाई इधर रख, उधर रख, इधर रखी, इसको इस तरह करा, इस तरह सजेशंस आए थे। तीसरी बॉल के ऊपर क्या फीलिंग थी मॉल में, जब हैट्रिक वाली बॉल थी? तीसरी बॉल पे मेरे पास मेरा दोस्त तो कोई नहीं था खड़ा, लेकिन इमाद वसीम खड़ा था, वो मेरे से सीनियर था और मेरा मतलब टीम में कुछ टाइम हुआ था। तो इमाद ने बोला, आप तूने आके अच्छी लेंथ पे हिट करनी है, तो वहाँ से तेरा अंदर गेंद घुस गया तो तू हैट्रिक कर लेगा। तो मैंने आके सिर्फ उसी लेंथ पे गेंद हिट किया, तो जब पैडों पे लगी है ना, मैंने बस अपील कर दिया है, मुझे भी नहीं पता उसके बाद कर दी, बस अपील कर दी और अंपायर ने आउट दिया है ना, तो उसके बाद मुझे नहीं पता क्या, उसके बाद वीडियो या पिक्चर्स देखे ना, तो फिर पता चला कि हम इतने एक्साइटेड हो गए थे उसके बाद।